सो हे गाइस, न्यूज़ बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूब के एक न्यू अपडेट के बारे में। तो यूट्यूब ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया यूट्यूब पर, जहां पर अभी अगर आप कुछ एब्यूसिव कमेंट्स वगैरह या फिर कुछ ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हो तो फिर यूट्यूब जो है आपको एक बार वार्न करेगा कि क्या ये कॉमेंट करना सही है या नहीं। एंड अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो आपका कमेंट जो है उस यूट्यूबर के पास चला जाएगा। जी हाँ, वो कमेंट चला जाएगा, डिलीट नहीं किया जाएगा। अभी ये फीचर जो है सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, फ्यूचर में iOS डिवाइस के लिए भी लॉन्च किया जाएगा ये फीचर। एंड आई थिंक ये अपडेट सुन के बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे इंक्लूडिंग मी। और जो आज किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन किया था कि उसने जो एक वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पर, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोज इन गैलरी, तो उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो जिनको नहीं पता आपको बता दो, यूट्यूब से वीडियोज आपके गैलरी में डाउनलोड करना इज टोटली मतलब अगेंस्ट है यूट्यूब का। इसलिए आपको प्ले स्टोर में भी कभी ऐसे एप्स नहीं दिखेंगे जिनके थ्रू जो आप यूट्यूब के वीडियोज को डाउनलोड कर सको। उसके रीजन शायद बहुत सारे होंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है यूट्यूब पे क्या होता है ना कि आपको पता होगा बहुत सारे री अपलोडिंग वगैरह किया जाता है वीडियोज को, तो वो चीज YouTube कभी नहीं चाहता। इसके वजह से आपको इस तरीके के एप्स वगैरह कभी नहीं दिखेंगे प्ले स्टोर पर। हाँ, आप जो है थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो गूगल क्रोम में जाके, एंड और भी कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्स वगैरह होंगे जो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर चुके हैं, मॉर्टल के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, कुछ टाइम पहले मॉर्टल जो ई स्पोर्ट्स मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर एंड ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं जीत पाए थे एंड ऑल्सो मोबाइल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी नहीं जीत पाए थे। लेकिन आपको पता होगा ई स्पोर्ट्स के स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड में वो जो सेकंड पोजीशन पर आए थे। तो अभी ई स्पोर्ट्स ने जो है टॉप 3 मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड का भी लिस्ट निकाल दिया, एंड जहां पर आप देख सकते हो मॉर्टल जो है थर्ड पोजीशन पर है। तो उनका रिएक्शन क्या था इस चीज के ऊपर आप खुद देखिए। सुपर देखा, क्या बात कर रहे हो, सो यस, माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मॉर्टल। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर चुके हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो टेक्नो गेमर्स के जो है बहुत सारे ऐसे फेक चैनल्स थे जो लोग जो है उनके वीडियोस को री अपलोड करते थे उनके चैनल पर, फेक चैनल्स पर बेसिकली, एंड वो जो इस चीज के बारे में कभी बात नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि यूट्यूब ने किसी एक फेक चैनल को वेरीफाइड कर दिया, मतलब जो वेरीफाइड टिक आता है ना वो वेरीफाइड टिक लगवा दिया किसी एक फेक चैनल को। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए टेक्नो गेमर्स एक ट्वीट किए थे जहां पर वो लिखे, मैनी चैनल्स वर री अपलोडिंग माई कॉन्टेंट, आई नेवर कॉपीराइट Like them, but today YouTube India verified a fake account. This is heights. YouTube creators India, please look into this and get it resolved. The fake account is commenting on other creator videos, confusing the audience. And ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ कि YouTube ने जो किसी fake channel को verified tick दे दिया हो। I hope YouTube इस चीज को जल्दी से जल्दी fix करे। तो चलिए अगले news के बारे में बात कर चुके हैं मुंबई कर निखिल के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कुछ time पहले मुंबई कर निखिल जो उनका new घर ले लिए थे, लेकिन वो reveal नहीं किए थे वो घर। लेकिन मुंबई कर निखिल कल अपने vlog में उनके घर का छोटा सा हिस्सा दिखा दिए, तो आप उनके व्लॉग का छोटा सा क्लिप आप देखिए। इधर इधर आओ ना, तो मैं और मम्मी जरा एक घर का एक छोटा सा क्या बोलते उसको परिक्रमा करने आए घर का। बहुत अच्छा लग रहा है, पेंट वेंट हो गया, कुछ आया नहीं है तो आएगा तो देखेंगे है ना। आपको मेरी रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा बाहर का व्यू। हाँ, पार्किंग देखो, तो छोटी सी झलकी दिखाई लेकिन दिखा दी घर की मम्मी और मैं। हम देखिए मम्मी तो ये ऐसे करो वैसे करो, ये अच्छा नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके हैं ट्रिगर्ड इंसान, क्लासिफाइड YT, मिली क्या मिली एंड रचित रो के बारे में। तो ये चारों यूट्यूबर यूरोप के लीडिंग ई स्पोर्ट्स टीम यानी टीम वाइटालिटी को ज्वाइन कर लिया है। जी, उसी के रिगार्डिंग ट्रिगर्ड इंसान, क्लासिफाइड YT, मिली क्या मिली, रचित रो अपने इंस्टाग्राम पर बता दिए, जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर। ऑल्सो आपको बता दो, क्लासिफाइड YT जिनके चैनल पर 2 मिलियन ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर है, उन्होंने इसी के चलते अपना फेस रिवील भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम पर, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर अभी उनका फेस। सो यस, माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके ढिंचैक पूजा के बारे में। तो ढिंचैक पूजा को किसी ने इंस्टाग्राम पर मेंशन किया था, जिसको ढिंचैक पूजा ने फिर से रीपोस्ट किया उनके इंस्टाग्राम स्टोरी में, जहां पर क्या लिखा था मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ढिंचैक पूजा दीदी आयरोनिकली बोला ना, दिस गाय सो कॉल्ड कैरेमिनाटी मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन ए हाईवे बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन। बिकॉज ऑफ सच पीपल इंडिया विल नेवर बी अ डेवलप्ड कंट्री। कैरेमिनाटी तुझे शर्म नहीं आती? यूट्यूब इज फ्री, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी अपनी बकवास वीडियोज बनाकर डालो। #ढिंचैक पूजा
पूजा, हैशटैग बॉयकॉट कैरी मिनाटी, हैशटैग ढिनचैक अगेंस्ट कैरी मिनाटी। आप देख सकते हो ढिनचैक पूजा इस चीज को अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। आप लोग क्या सोचते हो अभी इसके बारे में, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके जस्ट सुल के बारे में। तो इनको जो आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर जो है बहुत सारे वीडियोज वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोज बेसिकली। तो रिसेंटली जस्ट सुल के फादर का डेथ हो गया जी, एंड इसी के बारे में बताते हुए जस्ट सुल अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अब मैं तो ज्यादा क्या ही बोल सकता हूँ, मे हिज फादर सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर चुके मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो मिस्टर इंडियन हैकर कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो 1 करोड़ का हॉट एयर बैलून उड़ा दिए, जहां उसका प्राइस 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। अगर आपको वो क्रेजी वीडियो देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। मुझे लगता है धीरे धीरे करके मिस्टर इंडियन हैकर जो है मिस्टर इंडियन बीस्ट बन रहे अभी इंडिया में, क्योंकि वो भी आजकल बहुत सारे क्रेजी वीडियोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं उनके चैनल पर। तो चलिए अब अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके एमिवे बंटाई के बारे में। तो एमिवे बंटाई का जो म्यूजिक वीडियो था फिर से मचाएंगे, उस म्यूजिक वीडियो में हो गए 300 मिलियन व्यूज। यहाँ गाइस जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो उसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए एमिवे बंटाई अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये पोस्ट किए थे, 300 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक व्यूज जस्ट इन 9 मंथ्स, दिस इज ह्यूज, हैशटैग फिर से मचाएंगे, हैशटैग इंडिपेंडेंट ग्रेटफुल, कांग्रेचुलेशन टू द होल टीम एंड माई फैंस, फिर से मचाएंगे बिगेस्ट इंडिपेंडेंट ट्रैक इन इंडिया, थैंक यू पब्लिक, हैशटैग नो प्रमोशन, हैशटैग ऑल ऑर्गेनिक। सो यस, एमिवे बंटाई का सॉन्ग फिर से मचाएंगे बन गया है बिगेस्ट इंडिपेंडेंट सॉन्ग इन इंडिया, विच इज अ ह्यूज थिंग, सो माई हार्टी कांग्रेचुलेशन टू एमिवे बंटाई। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके अमित भड़ाना के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है अभी किसान आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, तो उसी के रिगार्डिंग अमित भड़ाना एक ट्वीट किया था जहां पर वो लिखे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और सरकार देश के व्यवस्था के लिए जरूरी। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों बातचीत से जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचे जिससे देश प्रगति करे। मेरी प्रार्थना सामंजस्य के लिए है, शांति के लिए है। सो यस, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे अभी जो किसान अभी प्रोटेस्ट करें, हमारे फार्मर्स एंड गवर्नमेंट जो है वो आपस में बातचीत करें एंड कुछ नतीजे पर पहुंचे। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात कर चुके मिथपैट के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि मिथपैट का जो है बहुत जल्द हमें एक पॉडकास्ट देखने को मिलेगा बियर बाइसेप्स के यूट्यूब चैनल पर, एंड इसी के रिगार्डिंग बियर बाइसेप्स कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, आपको पता होगा। तो अभी मिथपैट अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जहां पर वो लिखे, बैक देन इन 2017 आई सॉ हिम वॉकिंग ऑन रोड एंड आई अप्रोच्ड हिम फॉर अ सेल्फी, बिग फैन मूवमेंट, इट वॉज माई ड्रीम टू बी ऑन हिज पॉडकास्ट व्हेन आई वॉज एट 100K, ड्रीम्स डू कम ट्रू। सो जैसे कि यहाँ पर मिथपैट उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू बताया कि उनका जो एक ड्रीम था बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पर आने का, एंड फाइनली उनका वो ड्रीम पूरा हो गया। सो यस, माई हार्टी कांग्रेचुलेशन टू मिथपैट। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात कर चुके भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम कल अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के थ्रू कुछ फोटो शेयर किया जहां पर वो जो है ढिंडोरा का शूट चालू हो चुका है। ढिंडोरा क्या है वो मैं अभी कंफ्यूज हो चुका हूँ, वो एक शॉर्ट फिल्म है या फिर वो एक मूवी है, मैं अभी खुद कंफ्यूज हूँ। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं एक आर्टिकल देखा था जहां पर लिखा हुआ था कि ढिंडोरा जो है वो एक मूवी है जहां पर आपको बीबी की वाइंस के सारे कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, इसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट अगर मुझे मिलता है तो आप लोगों को मेरे वीडियोज के थ्रू पता चल जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही न्यूज था। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, एंड हाँ अगर तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके जरूर से फॉलो कर देना, क्योंकि इस साल के एंड तक 50,000 फॉलोअर्स जैसे भी करके कंप्लीट करने ही करने हैं, मुझे पता है आप लोग कंप्लीट करा दोगे। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।